जानकी न्यू लाइफ हॉस्पिटल गोंदिया में राखी कामटे लालबर्रा निवासी 27 वर्षीय युवती मानसिक उपचार हेतु पिछले 5 दिनों से भर्ती थी, उसकी कल जानकी हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई। युवती की मृत्यु के पश्चात जानकी मेडिकल स्टोर का बिल बकाया होने की वजह से न्यूरो सर्जन डॉक्टर सन्नी जायसवाल ने युवती का मृत्यु देह परिजनों को देने से इनकार कर दिया। ऐसा युवती के परिजनों ने डॉक्टर सन्नी जायसवाल पर आरोप लगाया है। गोंडवाना पार्टी के जिला अध्यक्ष संतोष भलावी के पूछे जाने पर न्यूरो सर्जन डॉक्टर सन्नी जायसवाल ने कहा कि नियम के अनुसार मेडिकल का बिल जब तक अदा नहीं होगा तब तक हम पेशेंट की डेड बॉडी नहीं देंगे, हमारे अस्पताल का यह नियम है। ऐसा वीडियो भी सामने आया है, जबकि भारत सरकार के जीआर के अनुसार किसी भी मरीज का अगर अस्पताल या मेडिकल का बिल बकाया भी है तो मरीज का मृतदेह अस्पताल प्रशासन को परिजनों को सौंपना होगा। समाज के लिए आज यह अत्यंत दुख का विषय है कि डॉक्टर, जिसे भगवान का रूप माना जाता है, वह हैवान बन चुका है। चंद पैसों के लिए इंसानियत और कानून भूल चुका है। कसाई बनकर जनता को बकरी की तरह हलाल कर रहा है। खुला दिया है, मैं लालबर्रे से हूँ। यहाँ हमने दीदी को लाए थे, 5-6 दिन हो गया है, जिसमें पर डे का चार्ज 10,000 रुपये है, जिसमें मेडिकल बिल अलग आएगा और लैब का बिल अलग है, जिसमें हमने 40-50 हज़ार भेज चुके हैं और जिसमें मेडिकल बिल बोल रहे हैं 75,000 रुपये और जमा करो, उसके बाद आपको डेड बॉडी मिलेगी। बिल क्लियर करने के बाद सनी जायसवाल पैसे देंगे, जब भी डेड बॉडी देंगे, जिसमें बिल क्लियर करोगे आप 60,000, जब भी डेड बॉडी मिलेगी 60,000 कुछ रुपये की, जिसमें हमने 40-50 हज़ार दे चुके हैं। बिल माफ़ करें, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आपने बिल पेमेंट कर दिया, आपका नीचे का मेडिकल का है। देखो भैया, कोई सामान आपको कहीं खरीद के लाता है, कोई डॉक्टर साहब आपका मेडिकल में क्या रोल आ गया? हमारा कोई रोल नहीं है। तो फिर आप बॉडी क्यों नहीं दे रहे? अगर कोई भी दवा खाने में यही सिस्टम फॉलो किया जाता है कि जब मेडिकल का मांगते हैं बिल क्लियर होगा तभी आप बॉडी देंगे। तभी हम बॉडी देंगे, ऐसा नहीं बोला मैंने। तो आप दे क्यों नहीं रहे दोनों बॉडी? उन्होंने अपना नीचे से क्लियरेंस नहीं लेके आया, वो इस तो बोलना चाह रहे हैं आपके नीचे से क्लियरेंस रहा और बॉडी लेके जाओ। आपको ये रूल यही बोला दवाखाने में, और अगर ये रूल गलत है तो गलत है। गोंदिया से BCN न्यूज के लिए अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।